अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी को तो जानते होंगे आप, यह हमारी मैक सिटी पिकअप गाड़ी है, 2023 मॉडल ये गाड़ी है। क्या क्या इस गाड़ी में खास है, क्या आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है, क्या इस गाड़ी का परफॉर्मेंस है, सब कुछ बताने वाले हैं। इस गाड़ी को 2 महीने हो चुके हैं लिए हुए। बुलेरो मैक्स सिटी पिकअप गाड़ी है, मैक्स पिकअप गाड़ी है, ऊंची कमानियों में ये गाड़ी आती है। काफ़ी अच्छी काफ़ी शानदार ये गाड़ी है। 13 नंबर के रेडियल टायर मिलते हैं आपको। न्यू गाड़ी आप लेते हैं तो आपको इसमें 13 नंबर के टायर मिलते हैं। मॉडल है इस गाड़ी का सिटी 3000 LX। इस गाड़ी में हमने जो है इसमें 13 नंबर के छोटे टायर आते हैं। आगे की तरफ आपने देखा है 13 नंबर के टायर डले, लेकिन हमने जो है इस गाड़ी में पीछे की तरफ 15 नंबर के अपोलो के टायर डाले हैं। 16,000 रुपये का जुट्टा मिला है दोस्तों, एक कल ही हमने टायर डाले हैं। 16,000 रुपये का जुट्टा मिला है, 8,000 रुपये का एक टायर है अपोलो का। 15 नंबर का ये टायर है दोस्तों, जो हमारे रेडियल टायर थे पहले जो इस गाड़ी के साथ आ रहे हैं, जो इस गाड़ी में आजकल आते हैं न्यू गाड़ी के साथ जो आते हैं 13 नंबर के रेडियल टायर, वो वजन रखने के बाद दबने लगते हैं दोस्तों। ये जो हमारी गाड़ी है ऊंची कमानियों में ये गाड़ी आती है। महिंद्रा ने जो गाड़ी लॉन्च की है ऊंची कमानियों में, छोटी वाली गाड़ी ऊंची कमानियों में लॉन्च की है। काफ़ी अच्छी काफ़ी शानदार ये गाड़ी है। सब कुछ इस गाड़ी के अंदर आपको चेंजेस मिल जाएगा, कुछ भी सेम नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको स्टेयरिंग सेम मिलने वाला है। देख सकते हैं जो हमारी सारी की सारी बुलेरो पिकअप में आता है वही स्टेयरिंग आपको मिलने वाला है, बाकी कुछ भी सेम नहीं मिलने वाला है, सब कुछ आपको चेंज मिलने वाला है। पूरी की पूरी गाड़ी जो है मैक्स पिकअप जो गाड़ी है हमारी मैक्स सिटी पिकअप, ये गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी बदल दी गई है। पूरी गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अंदर से भी काफ़ी मुझको ये मतलब ये गाड़ी मुझको काफ़ी पसंद आई है। मैं अपना बताऊं आपको तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छा इसका माइलेज है, छोटी गाड़ी है, कहीं पर भी घुस जाती है, वजन काफ़ी लेकर जाती है। 8.25 फीट का इसका डाला मिल जाता है आपको। स्टेयरिंग आप देख सकते हैं जो बुलेरो पिकअप में, सभी बुलेरो पिकअप में सेम स्टेयरिंग मिल जाता है, लेकिन बाकी पूरी की पूरी गाड़ी ये चेंज दी है आपको। सिटी 3000 LX मॉडल गाड़ी है बुलेरो मैक्स पिकअप। 13 नंबर के टायर आते हैं इसमें स्टील रिम के साथ। जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 13 नंबर के ये वाले टायर मिलेंगे, स्टील रिम के साथ आएंगे ये टायर। आपको देख सकते हैं आप 13 नंबर के टायर हैं हमारे, हमारे पीछे भी इसी यही टायर थे 13 नंबर के। तो हम ये 13 नंबर के जो टायर हैं हमारे रेडियल टायर, ये दबते हैं थोड़ा, वजन पे दबने लगते हैं, इसी वजह से हमने ये वाले टायर डाल दिए हैं अपोलो के। देख सकते हैं 16,000 रुपये का ये जुट्टा मिला है। इससे क्या गाड़ी अब जो है खड़ी लग रही है, ऊंची लग रही है, झोंक भी नहीं मार रही है इतनी सी भी। सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको लोग सामने की तरफ देखेंगे आपको फ्रंट में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, विंडो मिल जाएगी और हेडलोजन लैम्प मिल जाएंगे। हेडलोजन लैम्प में ही आपको इंडिकेटर का और रिफ्लेक्टर का मिल जाता है। बम्पर पर आपको फोग लैम्प के लिए जगह मिल जाती है। देख सकते हैं टायर साइज, आपको आप नई गाड़ी लेंगे तो 13 नंबर के टायर मिलेंगे आपको, स्टील रिम के साथ रेडियल टायर मिलेंगे। कुछ टाइम के बाद आपको बदलने पड़ेंगे, अगर आपको कम वजन पर चलानी है, आपका कम वजन का काम है, तो आप फिलहाल ये टायर चलाते रहें, रेडियल टायर जो गाड़ी के साथ आते हैं। अगर आपको ज़्यादा वजन डालना है तो आप ये वाले गुड्डी वाले टायर डलवा सकते हैं, अपोलो के टायर हैं। 8,000 रुपये के टायर मिले हैं, 3 साल की इनकी गारंटी है दोस्तों। अपोलो के 8,000 रुपये का एक टायर है, 16,000 रुपये के टायर मिले हैं अपने। और ये जो रेडियल वाले टायर हैं दोस्तों, ये उतार कर रख दिए हैं, ये अपने ही जानने वाले हैं, उनकी गाड़ी है, उन्होंने उतार कर टायर रख दिए हैं। जो अपने 13 नंबर के साथ में आए थे वो बोल रहे हैं आगे चलाते रहेंगे, आगे 13 के टायर डाल रहे हैं इसमें और पीछे जो है 15 के टायर हैं। सिटी 3000 LX मॉडल वाली ये गाड़ी है, देख सकते हैं पूरे का पूरा डूर इसमें आपको चेंज मिल जाता है, कुछ भी आपको सेम नहीं मिलने वाला है इसमें, सिर्फ आपको स्टेयरिंग सेम मिलने वाला है। सारी की सारी पिकअप में जो स्टेयरिंग दिया गया वही स्टेयरिंग इसमें दिया गया, बाकी कुछ भी इसमें सेम नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी चेंज कर दी गई है। सीटें इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी मुझको, सीटें जो है काफ़ी अच्छी लगी। गाड़ी छोटी होने के बाद भी गाड़ी के अंदर जो है स्पेस कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया, बहुत बड़ी गाड़ी लगती है, खुली खुली गाड़ी लगती है। मैक पिकअप जो गाड़ी है मुझको काफ़ी अच्छी लगी, मैं अपना बताऊँ तो सही गाड़ी है। अगर आप छोटी गाड़ी लेनी है, आपको छोटी ही गाड़ी लेनी है आपको, तो आप ये वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, एक दूसरी वाली जो आती है वो भी ले सकते हैं। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा।